बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3, ग्रुप 3A 13 एंड ग्रुप 4A या 14 एलिमेंट। ये ग्रुप 14 मॉडर्न जो मतलब है वो नामनक्लेचर है या जो सिस्टम है उसके मुताबिक है। ये जो ओल्ड सिस्टम है, ये जो ग्रुप 4A जो है, ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये ओल्ड सिस्टम है अब, ठीक है। नया सिस्टम है, आप ग्रुप 13 कहते हैं इसको। आप जो पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप 13 एलिमेंट्स या 3A एलिमेंट्स। आपकी बुक में 3A दिया गया है यहाँ पर, ये वाला 3A। दी ग्रुप 3A ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन दी एलिमेंट्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। जो थर्ड एली ग्रुप है इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? बोरोन है इसमें, एल्यूमिनियम है इसमें, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 3A एलिमेंट्स आर शोन इन दी टेबल 3.1। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ग्रुप 3A के एलिमेंट्स की वो टेबल में दी गई हैं। टेबल में ये जो लिखे हुए हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये लिखे तो लेफ्ट टू राइट हैं लेकिन एक्चुअली ये टॉप टू बॉटम है। एक्चुअली ये क्या है, ये टॉप टू बॉटम। तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर देखें, 5, 13, 31, 49, 81। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, 1s2 हीलियम की जगह 1s2 की जगह हीलियम लिख दिया उसने। नियॉन 1s2, 2s2, 2p6 तक नियॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होगी, यहाँ तक अर्गान तक होगी, अर्गान के बाद ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, क्रिप्टॉन तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, उसके बाद क्रिप्टॉन के बाद जो है वो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4d10 5s2 5p1 ज़ीनान की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये आ गया, ये आ जाएगा आगे, ये लिखेंगे इसमें थैलियम के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी 801 577 डिक्रीज हुई, 579 इंक्रीज हुई, 558 डिक्रीज हुई, फिर 583 इंक्रीज। ये इरेगुलर पैटर्न है, बेतरतीब है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -27, इतनी हीट रिलीज हुई है किलो जोल पर मोल में, -45 ज़्यादा हीट रिलीज हुई, फिर कम हीट रिलीज हुई, फिर कॉन्स्टेंट, फिर ज़्यादा हीट, ये भी इरेगुलर पैटर्न है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2 ज़्यादा है, 1.5 कम, फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, ये भी इरेगुलर पैटर्न है। एटॉमिक रेडियस बोरोन का 80, 125, 126, 144, 148, ये इंक्रीजिंग है लेकिन है इरेगुलर, ये भी के तरतीब से इंक्रीज नहीं हो रहा। 80 के बाद 40 का डिफरेंस है, 45 का, उसके बाद सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो है इंक्रीजिंग लेकिन इरेगुलर इंक्रीजिंग है ये। उसके बाद आयनिक रेडियस 20, 52, 60, 81, 95, ये इंक्रीजिंग है, बढ़ता जा रहा है ये भी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट 2300, 660 कम, 30 और कम, 157 से ज़्यादा, 307, 304 और ज़्यादा, ये इरेगुलर पैटर्न है, इरेगुलर पैटर्न हो गया यहाँ पर, बेतरतीब है ये। बॉइलिंग पॉइंट 2550, 2467 कम हो गया, 2403 और कम हो गया, 2080 कम हो गया, 1457 और कम हो गया, ये डिक्रीजिंग है। और डेंसिटी 2.3 कम, 2.7 ज़्यादा, 5.93 और ज़्यादा, 7.3 और ज़्यादा, 11.85 और सबसे ज़्यादा, ये ट्रेंड इंक्रीजिंग है। तो डेंसिटी जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है, तो ये जो ट्रेंड इरेगुलर लिखे हुए हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये टॉप टू बॉटम है ग्रुप में, लेकिन ग्रुप चूंकि लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है तो हम इसलिए इसको देख रहे हैं। एक्चुअली ये टॉप टू बॉटम ग्रुप में इस तरह से ये पैटर्न मिलेंगे आपको। दी स्मॉल एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक बोरोन नॉन मेटेलिक। स्मॉल साइज है बोरोन का और न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है तो ये नॉन मेटेलिक है। वाइल आर दी अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर मेटल, बाकी सब जो हैं बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब मेटल हैं। दी एब्रप्ट इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम
एब्रप्ट कहते हैं बेतरतीब, इरेगुलर, जब मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ तो रहा है लेकिन ये बेतरतीब तरीके से बढ़ रहा है। बोरोन टू एल्यूमिनियम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज साइज ऑफ एल्यूमिनियम एटम। उसकी वजह क्या है कि एल्यूमिनियम एटम का साइज जो है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है। द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज नॉट रेगुलर इन दिस ग्रुप। एटॉमिक साइज हमने देखा था बढ़ तो रहा था लेकिन रेगुलर नहीं बढ़ रहा था। ये एटॉमिक साइज अगर आप यहाँ पे देखें एटॉमिक रेडियस, ये 80, 125 फिर 126, रेगुलर नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा है लेकिन रेगुलर नहीं है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर। इसकी वजह क्या है कि जो हैवियर मेंबर है यानी कि जो गैलियम इंडियम थैलियम है उनमें डी ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल सबसे ला जाता है, उसके इलेक्ट्रॉन भी हैं जिनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है देन एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स। तो डी सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, कमजोर होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एस एंड पी इलेक्ट्रॉन। एस और पी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो यहाँ पर फोर्स अट्रैक्शन जरा वो कम हो जाती है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, और ऊपर डी सबशेल के केस में कम नहीं होती तो साइज में बेतरतीबी सी एक आ जाती है, तरतीब नहीं रहती एटॉमिक साइज में। उसके बाद अक्रेंस ऑफ बोरोन एल्यूमिनियम, बोरोन बोरोन इज नॉट एन अबेंडेंट एलिमेंट, ये कसर से नहीं पाया जाता। इट अकर्स इन ट्रेसेस इन मोस्ट सॉइल, अक्सर जमीनों में ये ट्रेसेस बहुत कम मिकदार में, मामूली मिकदार में पाया जाता है। इट इज असेंशियल इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ मैनी प्लांट, ये बहुत सारे पौधों की सही नशोनुमा के लिए इसको थोड़ी सी मकदार जो मामूली मकदार में बहुत ही अहम होता है, चाहिए होता है लाजमी। बोरोन इज ऑलवेज फाउंड इन नेचर कम्बाइंड विद ऑक्सीजन यूजली एज ऑक्सीबोरेटाइन। बोरेन बोरोन जो है ये कम्बाइंड स्टेट में मिलता है, खालस हालत में नहीं मिलता, इसके कंपाउंड मिलते हैं। कंपाउंड कौन से? ऑक्सीबोरेटाइन वाले, यानी कि ऑक्सीजन का बोरोन के साथ ये नेगेटिव आयन बनते हैं। इस तरह के कंपाउंड आपको नेचर में मिलते हैं, खालस बोरोन आपको नहीं मिलती। बोरोन आकर प्रिंसिपली है साल्ट ऑफ वेरियस पॉलीबोरिक एसिड, बोरोन के साल्ट मिलते हैं पॉलीबोरिक एसिड के साल्ट की शक्ल में मिलता है यहाँ पे हमारे पास। तो ये मिनरल है हमारे पास, देखिए बोरोन के बोरेक्स और टिंकल, बोरेक्स को टिंकल भी कहते हैं, Na2B4O7 10H2O, ये बोरेक्स, ये देखें पाउडर होता है ये व्हाइट कलर का बोरेक्स। तो उसके बाद कोलेमेनाइट है, कोलेमेनाइट Ca2B6O11 5H2O, तो ये भी व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है। मैंने सिर्फ बोरेक्स बनाया क्योंकि बोरेक्स आगे डिस्कस भी है, किया गया है। आर्थोबोरिक एसिड H3BO3, ये कैरम बोर्ड में पाउडर डालते हैं कैरम बोर्ड खेलने के लिए, H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड, इसको बोरिक एसिड भी कहते हैं। उसके बाद एलुमिनियम, एलुमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट में जमीन के ऊपर की जो तय होती है उसमें तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। इट ऑकर्स प्राइमरीली एज एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल फाउंड इन द रॉक्स ऑफ आउटर पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये एल्यूमिनोसिलिकेट की शक्ल में मिलता है। यहाँ पे एक फार्मूला देखें, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये एल्यूमिनोसिलिकेट का फार्मूला है, ये एल्यूमिनोसिलिकेट का फार्मूला है, ठीक है। तो एल्यूमिनोसिलिकेट की शक्ल में मिलता है चट्टानों में, और जमीन का जो बाहर का पर्त होता है, ऊपर का पोर्शन होता है जमीन का, अर्थ का, उसमें हमें मिलता है एल्यूमिनोसिलिकेट की शक्ल में। इसके मिनरल, कॉमन मिनरल, ये मिनरल है उनका नाम और ये मिनरल का फार्मूला है फेल्डस्पार, फेल्डस्पार KaLSi3O8, या ऐसा से देखें अलग अलग, इसमें पोटाशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और 6 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के मोल है। माइका, मस्कोवाइट, अब्रक कहते हैं उर्दू में, KH2Al3SiO4 थ्राइस। कायोलिन, क्ले, ये सफेद मिट्टी होती है, H2Al2SiO4 होल्ड ट्वाइस,
H2O या ये फार्मूला है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 2 मोल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के और 2 मोल वाटर के, कुरंडम एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एमराल्ड ये याकूत या जुमुर्द का इसका तर्जुमा मुझे अब से याद नहीं है, याकूत या जुमुर्द कहते हैं उर्दू में इसको, AlF2SiO4, गिप्साइट Al2O3CH2O या AlOOH3, ये गिप्साइट का फार्मूला, बॉक्साइट Al2O3 2H2O, कुदरती तौर पे बॉक्साइट सबसे ज्यादा मिलता है हमें, मिनरल जो है एल्यूमिनियम का ये बॉक्साइट बहुत ज्यादा हमें अवेलेबल होता है, इसी मिनरल बॉक्साइट से एल्यूमिनियम हासिल की जाती है। ये तस्वीर देखें बॉक्साइट की है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये नजर आ रहा है आपको, ये बॉक्साइट की है। क्रायोलाइट Na3AlF6 क्रायोलाइट का फार्मूला, डायस्पोर Al2O3H2O AlOHOH AlOOH, ये सबसे डायस्पोर का फार्मूला है। अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सी ए, गैलियम इंडियम एंड थेलियम आर रिलेटिवली रेयर, ये शाद नजर कम बहुत कम मिलती है गैलियम इंडियम थेलियम, दीज मेटल आर ऑब्टेन्ड एज बाइप्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ अदर मेटल, जब दूसरी मेटल को हम प्रोसेस कर रहे होते हैं निकाल रहे होते हैं तो उनके साथ हमें ये भी थोड़ी थोड़ी मेटल मिल जाती हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बोरोन, बोरोन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप सी ए, इट शोज मैनी डिसिमिलैरिटी विद द मेंबर ऑफ इट्स ओन ग्रुप, बोरोन ग्रुप सी का पहला मेंबर है और ये बहुत सारी इख्तलाफात दिखाता है अपने मेंबर के साथ, अपने ग्रुप के मेंबर के साथ। द डिफरेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन एंड दोज ऑफ अदर मेंबर इज ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज एंड आयनाइजेशन एनर्जी, जो बोरोन और दूसरे मेंबर हैं उनमें जो डिफरेंस है उसकी वजह क्या है, एक तो उनमें साइज, इनके एटम के साइज का डिफरेंस है, फर्क है, और ये आयनाइजेशन एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क है बोरोन के और बाकी मेंबर के, तभी ये पेक्यूलर बिहेवियर शो करता है। पहला पेक्यूलर बिहेवियर, बोरोन इज दी ओनली एलिमेंट इन ग्रुप थ्री ए विच इज नॉन मेटालिक इन बिहेवियर, बोरोन बाहर नॉन मेटल है बाकी सब मेटल है। इट इज दी ओनली मेटल लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ओनली एलिमेंट, ये वाहिद एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3-4 से कम है, लेकिन ये मेटल नहीं है, ये मेटल नहीं है। बोरोन ऑलवेज यूजेस ऑल द 3 ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर बॉन्डिंग पर्पसेस एंड इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +3 एंड -3, बॉन्ड बनाने के लिए बोरोन अपने तीनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करता है और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है और -3 है। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ बोरोन इज इट्स एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड, एक जो नुमाया खसूसियत है बोरोन की वो ये मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड बनाता है। ये देखें अमोनिया का बोरोन ट्राइफॉस्फेट से रिएक्शन हुआ, ये मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोडक्ट बन गया, तो ये मॉलिक्यूलर एडिशन प्रोडक्ट भी बनाते हैं बोरोन दूसरे मॉलिक्यूल के सामने का। बोरोन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता विद सल्फेट नाइट्रेट और अदर एनायन दूसरे नेगेटिव आयन के साथ, बिकॉज बोरोन डज नॉट फॉर्म ए स्टेबल कैटाइन, क्योंकि बोरोन स्टेबल पॉजिटिव आयन नहीं बनाता, पॉजिटिव आयन नहीं होता बोरोन का स्टेबल, तो स्टेबल पॉजिटिव आयन नहीं है तो ये इसका जो है वो बोरोन जो है फिर वो आयनिक कंपाउंड भी नहीं बनाता। यहाँ पर जो है फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे आपके ये बोर्ड में। व्हाट आर द केमिकल फॉर्मूला बोरेक्स एंड कोलमेनाइट, बोरेक्स और कोलमेनाइट का फार्मूला, ये पहले दो, एक ही बोरेक्स ये फार्मूला, कोलमेनाइट का ये फार्मूला। व्हाट आर द केमिकल फार्मूला बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, ये बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 2H2O और ये क्रायोलाइट का फार्मूला Na3AlF6। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया।